Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Touch Healing Academy. Divine Touch Healing Academy में Angel Therapy के classes conduct होते हैं. आप ये classes online भी सीख सकते हैं. और ये video बन रहा है Angel Card Messages. Saints and Angels card use हो रहे हैं Dorian Virtue के. और आपको message दिया जा रहा है Libra राशि के लिए November में. आपके लिए क्या Angel Message है? आपके लाइफ में अगर कहाँ कुछ ब्लॉकेज है, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में, तो ये मैसेज आपको हेल्प कर सकता है उस ब्लॉकेज से बाहर निकलने का. तो आपके लिए आया है मैसेज वाइज डिसीशन. लिब्रा राशि वाले, अगर एट प्रेजेंट आप कुछ डिसीशन ले रहे हो आपके लाइफ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मैरिज के लिए, आपके फैमिली के लिए, या फिर आपके फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए आप कुछ डिसीशन ले रहे हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप एकदम सही डिसीशन ले रहे हो. वाइज डिसीशन कार्ड आया है. तो आपको फिर से आपका डिसीशन चेंज नहीं करना है. सिर्फ एंजल्स को चाहिए, अगर आप पीस, आप खुद पीसफुल हो, खुद काम हो, और आपकी आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, किसी के लाइफ में आप डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो राइट डिसीजन ले रहे हो. और आपका पीसफुल होना बहुत जरूरी है. बेसिकली गॉड ने एंजल्स को क्रिएट किया है, उन्हें यहाँ भेजा है हमारे पास. वो ऑल द टाइम हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइडेंस देते रहते हैं. तो जो वाइस आप अभी डिसीशन ले रहे हो वो एंजल्स के ब्लेसिंग से ले रहे हो, और एंजल्स ऑल द टाइम आपके साथ रहेंगे. आपको सिर्फ प्रे करते रहना है कि एंजल्स आप मुझे प्रोटेक्ट करते रहिए, मुझे गाइड करते रहिए और मुझे हेल्प करते रहिए. और किसी चीज का आपको चिंता नहीं करना है कि डिसीशन रॉन्ग हो जाएगा. बेसिकली कभी भी डिसीशंस रॉन्ग नहीं होते हैं. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हम सोचते हैं वो सिर्फ एक बॉडी लेवल पे होता है. सोल के लिए कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता है. और हम जो ये टाइम बोलते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट गया, बेसिकली हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाता है. कुछ न कुछ हमें पास्ट से लर्निंग के लिए मिलता है. तो हम लॉजिकली सोचकर दुखी होते हैं कि मैंने ये डिसीशन लिया और मेरा ये नुकसान हुआ. बेसिकली सोल को कुछ भी नुकसान नहीं होता है. तो आप जो भी डिसीशंस आप अभी ले रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप पीसफुल हैं, आपके डिसीशन सही हैं. एंजल्स आपके ऊपर ब्लेस कर रहे हैं. आपके मास्टर्स, आप किसी भी गुरु में बिलीव करते हैं, वो आपके मास्टर एंजल हैं, वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं. और इनडायरेक्टली आपको एंजल्स और मास्टर्स के थ्रू आपको गॉड की भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं. तो आप चिंता मत करें अपने डिसीशंस लेने की. एंजल्स हमें इनर विजडम देते हैं और उससे हम हमारे लाइफ के डिसीशंस लेते हैं. तो आप बहुत फर्म होकर आप अपने आप को सरेंडर कर दें जो भी डिसीशन आपने लिया है. फॉर एग्जांपल आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, वहां आपका एडमिशन नहीं हुआ है. अब आपने डिसीशन लिया है कि किसी मीडियम और यूनिवर्सिटी में या किसी लोकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वो भी आपका राइट डिसीशन है. आपको पीसफुली वो एडमिशन को रिसीव करना है, वो एडमिशन लेना है, दुखी नहीं होना है. और कोई भी चीज जो आपको नहीं मिली है उसके लिए आपको रिग्रेट नहीं करना है. अपना एनर्जी आपको वहां वेस्ट नहीं करना है. जो भी आपने वाइज डिसीशन लिया है उसमें आपको सरेंडर करना है. मैक्सिमम एनर्जी आपको वहां डालनी है, बिकॉज अब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं. आप वो फिर से जो ए यूनिवर्सिटी है वहां नहीं जा सकते हैं. तो जो बी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है वहां पे आप 100% अपना इनपुट दें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले. थैंक यू.